धौरहरा लोकसभा का कौन होगा सरताज टुडे 24 जागरूक नागरिकों से जानी राय यूपी के सीतापुर 6 मई को संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया था। इस दौरान धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। चूँकि 23 मई को मतगणना होनी है इससे पूर्व टुडे 24 के वरिष्ठ संवाददाता रविंद्र सक्सेना ने जागरूक नागरिकों से धौरहरा का सरताज कौन होगा इस पर जागरूक नागरिकों से वार्ता की। पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय रेखा अरुण वर्मा जी भारी मतों से चुनाव जीत रहे और पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है और यहाँ पे आदरणीय रेखा जी को हर जात हर धर्म हर मजहब का आशीर्वाद मिला है। बहुत अच्छे मतों से चुनाव पर जीत रहे। जितिन प्रसाद की क्या स्थिति रहेगी? देखिए जितिन प्रसाद की तो जवान जब्त हो जाएगी इस चुनाव में। जितिन प्रसाद का न कोई पार्टी का कोई अस्तित्व है न वजूद है। जितिन प्रसाद की जवान जब्त हो जाएगी। गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? गठबंधन क्षेत्र की जनता देश की जनता सब जान चुकी है ये गठबंधन नहीं है ठगबंधन था और जनता सब समझदार है जनता होशियार है। पूरे देश में आप देखना 60% में खाली भारतीय जनता पार्टी होगी 40% में सब होंगे। इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की और पिछली बार से ही ज़्यादा मतों से आदरणीय रेखा अरुण वर्मा यहाँ पर होती है। इलेक्शन तो हो गया लेकिन कुछ बहुत डिफिकल्ट इलेक्शन हुआ है और त्रिकोणीय संघर्ष हमारे धौरहरा लोकसभा में और तीनों प्रत्याशियों ने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी उसमें जतिन प्रसाद ने तो उनका इलेक्शन ठीक है लेकिन विकास के नाम पर जतिन प्रसाद ने इससे पहले 2009 में जब इलेक्शन उन्होंने जीता था बम्पर जीता था उस उन्होंने इतना विकास किया था हमारे धौरहरा लोकसभा में जितना अभी तक किसी प्रत्याशी ने हमारे क्षेत्र में नहीं किया। लगातार वो 5 साल तक जीते आते रहे उसके बाद जब हार गए उसके बाद भी आते रहे और रही गठबंधन प्रत्याशी की वो बाहरी प्रत्याशी थे और उन्होंने वो नए प्रत्याशी ठीक है वो लड़ाई में हैं मजबूत तो हैं वो क्योंकि सपा का भी वोट और बसपा का वोट मिला के उस दृष्टिकोण से वो सबसे भारी है। वर्तमान सांसद रेखा वर्मा की क्या स्थिति रहेगी? रेखा वर्मा भाई मोदी लहर में पिछली बार वो जीत गई और उन्होंने 5 साल तक हमारे ख्याल से 4 साल तक तो बिल्कुल नज़र नहीं आई हमारी धौरहरा लोकसभा में लेकिन 1 साल से जब से नज़र आई तो विशेष कोई हमारे धौरहरा लोकसभा में विकास के नाम पर उन्होंने कोई काम नहीं किया जहाँ तक हमें पता है। मतलब सांसद होने के बावजूद भी वो बहुत कम ही नज़र आई और इस इलेक्शन में भी काफ़ी कम नज़र आई। मतलब सुनने में आया जहाँ जहाँ भाजपा के गढ़ हैं वहाँ उनको बुलाया जाता रहा वो ये नहीं पहुँचे जो भी रीजन रहा हो तो इस दृष्टिकोण से वो काफ़ी पीछे हैं। राजेश जीत का चेहरा किसके सिर बंधने जा रहा है? हमारे साथ के जतिन प्रसाद या अरशद अहमद सिद्दी लोगों ने ज़्यादा वोट किया है इसलिए रेखा वर्मा के जीतने के चांसेस ज़्यादा है जैसा कि पोल में भी दिखाया जा रहा है। तो विकास को लेकर आप बात कर रहे हैं तो जितिन प्रसाद में क्या कमी पाई गई? जितिन प्रसाद जी में कोई कमी नहीं थी क्योंकि इस क्षेत्र में कांग्रेस का अपना कोई जनाधार नहीं और जो भी लोग समर्थन कर रहे थे वो जितिन प्रसाद जी के व्यक्तिगत व्यवहार से कर रहे थे और व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर धौरहरा लोकसभा जीतना बड़ा मुश्किल था। गठबंधन प्रत्याशी की क्या स्थिति रहेगी? वो तो बाहरी होने के नाते उसका कोई यहाँ लोगों से टच भी नहीं था तो वो तो पार्टी बेस के हिसाब से उसने तो पूरे क्षेत्र में हमारी समझ से लोगों से संपर्क भी नहीं किया। वैसे जीत का चेहरा किसको बांध रहे हैं आप? इसके लिए तो मोदी जिम्मेदार हैं। लोग भले नाखुश थे रेखा वर्मा से मोदी के नाम से लोगों ने जो अंडर करंट था उसके हिसाब से लोगों ने रेखा वर्मा को वोट दिया। लोकसभा में जो प्रत्याशी रेखा वर्मा जी हैं उनकी भारी मतों से जीत होने जा रहा है क्योंकि उनके साथ मोदी जी ने जो काम किया है गरीबों को शौचालय किसानों को खाते में किसान सम्मान योजना का धन और प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी तमाम योजनाएं हैं उनसे जनता प्रभावित हुई है जिन्होंने भारी मतदान मोदी के पक्ष में किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखा वर्मा जी जीत है।
दिनेश भैया, जितिन प्रसाद और गठबंधन प्रत्याशी में आपको क्या कमी नजर आई? जो कांग्रेस के प्रत्याशी जितिन प्रसाद जी थे, उनका कोई कांग्रेस का वोट बैंक नहीं, और जो गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा है तो गठबंधन का प्रत्याशी बाहरी होने की वजह से उसको मत बहुत कम मिले, क्योंकि जनता चाहती है कि हमारे लोकल का प्रत्याशी हो, हम उसके बीच में जा सकें, अपनी बात को कह सकें, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ। और जितिन प्रसाद जी जो चुनाव धोरारा से लड़े हैं, और उनके कार्यकर्ता जो थे, कार्यकर्ताओं ने ही धोखा दिया, इससे वो चुनाव हारे।